अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में सैमसंग A53 5G के मेन इशू के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। इसका कैमरा प्रॉपर वर्क नहीं करता है 64 मेगापिक्सल की सेटिंग पे, और 16 मेगापिक्सल की सेटिंग पे प्रॉपर वर्क करता है। इसका मेन इशू ये है कि 16 मेगापिक्सल पे बिल्कुल पिक्चर ठीक आती है, कलर वगैरह या रिज़ल्ट भी। और जो इसकी 64 मेगापिक्सल वाली सेटिंग है उसमें ये आप देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट की शेप बिल्कुल बिगाड़ देता है, डी शेप कर देता है, ठीक है। इसी तरह ये कंपैरिजन आप चेक कर लें, 16 मेगापिक्सल पे बिल्कुल ठीक आया और 64 पे आप इसका देख सकते हैं। और सेम इसी तरह ही ये देख लें आप 16 मेगापिक्सल पे और 64 मेगापिक्सल पे। ह्यूमन हो या कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई एनिमल हो, इसका रिजल्ट सेम ही है, पिक्चर को डी शेप कर देता है, जो कि बिल्कुल ही कहते हैं बेकार आ रही होती हैं। अगर कोई परचेज़ करना चाह रहे सैमसंग A53 5G तो मेरा मशवरा है इसे स्किप कर दें, इसकी जगह लेटेस्ट कोई मॉडल देख लें, A54 A55 वगैरह। तो ये आज की डेट 25 अप्रैल 2024 है, तो आज तक इसका ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। हालांकि अपडेट में इसका अगर कोई अपडेट का मसला है तो हो जाना चाहिए। ये सिर्फ इस मोबाइल के साथ नहीं, सैमसंग की वेबसाइट पे कई लोगों ने कंप्लेन की हुई है इसके बारे में, लेकिन सैमसंग ने आज तक इसका इशू रिजॉल्व नहीं किया, ना किसी अपडेट के ज़रिए, ना कोई रिप्लाई वगैरह किसी भी कंप्लेन का।